जनों तथा भाई एवं बहनों, हम पूर्व माध्यमिक विद्यालय अज्ञाना की छात्राएं आज एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही हैं, जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पाठ परिचय इस प्रकार है। ये हैं शमशेर आतंकवादी, ये हैं भारतीय सैनिक आकाश और गगन, ये हैं सेन सिंह, ये है सेन सिंह की पत्नी नम्रता और ये है सेन सिंह की माँ कमला और मैं हूँ क्षमा, सेन सिंह की बेटी। बेटा सेन सिंह यहाँ आओ। क्या है माँ जी? बेटा भगवान अगर बहु को एक पुत्र दे देता तो मेरे बुढ़ापे का सहारा और घर का चिराग हो जाता। माँ जी, बेटी बेटा में क्या अंतर होता है? बेटी बेटा तो विधाता की देन है माँ जी। बहू को लड़का न हुआ तो मैं उसे घर से निकाल दूंगी। बेटा जरा बहू को बुलाओ। ठीक है माँ जी, अभी बुलाता हूँ। नम्रता, अरे ओ नम्रता, क्या है? बहू तू कल जाकर डॉक्टर से जांच करा लेना, अगर लड़की हो तो उसे पेट में ही मार। माँ जी, एक माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती? ये तो भगवान की देन है माँ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, मेरा फैसला अटल है। माँ जी, आपकी बात न मानने के लिए मैं मजबूर हूँ। तो मेरा घर छोड़कर चली जा रही हूँ माँ। अगर लड़की हुई तो मैं उसे लड़का बनाकर दिखा दूंगी। जा देख लूंगी। मेरी आपसे अंतिम प्रार्थना है कि आप माता जी की सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। अब मैं चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? बच्चे की भलाई और माता जी की आज्ञा। मुझे छोड़ करके? नहीं नहीं। बेटा तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ करके चली गई है ना, अब तुम दूसरी शादी कर लो। ठीक है माँ जी, लेकिन एक शर्त है कि जो लड़की लड़का पैदा करने वाली होगी मैं उसी से शादी करूँगा। या कैसे होगा बेटा? फिर दूसरी शादी असंभव है माँ जी। बेटी तुम कौन हो? मैं क्षमा हूँ। तुम्हारे माता पिता कौन है? माता नम्रता और पिता श्री शेर सिंह हैं। तुम्हारी माता क्या करती हैं और बेटी तुम क्या करती हो? माँ जी मजदूरी करती हैं और मैं इंटर फाइनल में हूँ, मुझे ओलंपिक रेस के लिए चुन लिया गया है। रेस में जरूर जाना बेटी, जीतोगी। आप तो अपने जैसे लगते हैं, कभी मेरे घर भी आइए। पता बताओ, कल जरूर आऊँगा। कमरा नंबर 123 राजापुर इलाहाबाद। ठीक है बेटी, माँ जी से मत बताना, मैं कल जरूर आऊँगा। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते माँ जी। माँ जी क्या है बेटी?
माँ जी, आज जब मैं रेस के प्रैक्टिस में गई तो मुझे एक सज्जन मिले। उन्होंने मेरे बारे में पूछा और जानकर बहुत ही खुश हुई। और जाते जाते उन्होंने कहा, कल मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ठीक है बेटी। यहाँ क्षमा कहाँ रहती है? अरे आप? हाँ मैं। चलो अभी मिलाती हूँ। क्षमा माँ जी, जल्दी करिए, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। कर रही हूँ बेटी, लेकिन कल जो सज्जन तुम्हें मिले थे वो आए और तुमसे मिलना चाहते हैं। चलो बेटी। चलिए माँ जी। बेटी, ये सज्जन तुम्हारे पिताजी हैं। अच्छा माँ जी, नमस्ते पिताजी। जय भाव बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ रेस देखने चलूँगा। चलिए पिताजी। चेहरा बैठा के लिए बसोगे, और कुछ करना चाहिए। पगड़ी 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 निकल पगड़ी निकल पगड़ी थी पगड़ी वीडियो उधर उधर हटा। जल्दी कर दे। क्या है बेटी? माँ जी, मैं रेस में फर्स्ट टाइम ये है मेरा लॉट पर। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बेटे का सपना बेटी ने पूरा कर दिखा दिया। क्षमा, इस पत्र में क्या लिखा है? माँ जी, भारत सरकार ने मुझे चीफ कमांडो बना दिया है और कल ही जाना है। जाना बेटी, पर अपना ख्याल रखना। माँ जी, आप क्या कहेंगे? मेरे सैकड़ों भाई शहीद हुए, माताएं बहनों के सिंदूर मिटे, बच्चे अनाथ हुए, तब पर भी मैं अपना ख्याल रखूं। मैं अपने से पहले देश का ख्याल रखूंगी माँ। शाबाश मेरी बहादुर बेटी, जाओ सोफिया में हुए घटना का बदला अवश्य लो। माँ जी, मैं सोफिया में शहीद हुए भाई बहनों के साथ बेकार नहीं जाने दूंगी। ठीक है बेटी, जीतना तो मुँह दिखाना वरना शहीद हो जाना। माँ जी, बेटी तो आपकी हूँ ना मैं। बोलती चली जा रही है। जय हिंद मैडम। जय हिंद साथियों, हम सबको मिलकर सोफिया में शहीद हुए भाई बहनों को बदला आतंकवादियों से चुकाना है। भारत माता की कसम, हम इसका बदला अवश्य लेंगे। आज अब आ साथियों, आ चलो चलो जय हिंद मैडम। जय हिंद।
माँ जी। क्या है बेटी? माँ जी, हमने सोफिया का बदला ले लिया है। बेटी, तुम पर मुझे बहुत गर्व है। यह सूचना तो मैं माता तक अवश्य पहुँचाऊंगी। चलो बेटी। चलिए माँ जी। माँ जी, क्या है? लीजिए अपना पोता, जो मैंने कहा था वो करके दिखा दिया। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं होता, बेटी तो बेटा के बराबर होते हैं। कोई बात नहीं माँ जी, मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सब बेटी बचाएं और बेटी पढ़ाएं। वंदे।